मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े लीडर्स के दौरे शुरू हो गए हैं। बीजेपी का फोकस कांग्रेस की मजबूत सीटों को डैमेज करने का है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शिवपुरी जिले की करीरा विधानसभा सीट पर जन आशीर्वाद यात्रा और चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए MP एक तरफ विधानसभा चुनाव होने के साथ ही भाजपा की जीत का दावा किया। ये इसका साउंड ठीक आ रहा है कैसे बोल रहे? अपने कार्यकर्ता एक मिनट बाहर होते हैं, सब कार्यकर्ता बाहर। हरिपुर गांव निवासी सुभाष यादव सब कार्यकर्ता बाहर करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। वहाँ बृहस्पतिवार दोपहर में खेत में काम करके घर लौटा। घटना के बाद पूरे परिवार में बहरा पत्रकार मित्रों इलाज के लिए स्थानीय CHC लाए। आज हिंदी दिवस पर आप सबको सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से मध्य प्रदेश के लोगों के साथ फिर एक बार हम सबको जुड़ने का मौका मिल रहा है। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में एक उत्साह, एक विकास का प्रभाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति जो लोगों का स्नेह है, जो उनका पूरा विश्वास गत दो दशकों की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं से मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का मौका दिया, उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। माननीय श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन भूमि में आज मुझे आगमन करने का मौका मिला, उसके लिए मैं माननीय शिवराज जी और सभी पार्टी के नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मेरे मन में जो विचार है, मेरे मन में जो काम करने की श्रद्धा है, उसमें अटल जी का स्वयं का काफ़ी बड़ा योगदान रहा। बचपन से ही उनका प्यार और आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिला, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगुवाई में अलग अलग प्रकार से देश की सेवा करने के लिए मुझे अवसर मिला। मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है, चाहे वो गरीबों का कल्याण हो, चाहे औद्योगिक विकास की बात हो, एक अच्छा समन्वय मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। नदी में डुबकी लगाने के बाद गरीबों को लगातार अलग अलग योजनाओं से सुविधाएं पहुंचाना, रोजमर्रा की जो समस्याएं रहती है, चाहे वो रोटी कपड़ा मकान हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिसके लिए काफी दशकों से हमारे भाई बहन अतुल रहते थे, उसको पूरा करने का काम हो, चाहे हमारे किसान भाई बहनों को गोकर्णेश्वर में अच्छा उचित दाम मिले, अच्छा उनका भविष्य उज्जवल हो, हमारे युवा युवतियों को अच्छी शिक्षा मिले, कौशल विकास हो, नए काम के अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, एक समुचित सोच, होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मिलकर मध्य प्रदेश में काम किया है। आज ही हम सबका सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 50,000 करोड़ से अधिक के कार्यक्रमों का शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। बीना में एक नई बड़ी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी का भी काम शुरू होगा, भूमि पूजन होगी और अन्य अन्य योजनाओं से, चाहे वो इंदौर में 2 IT पार्क हो, मेगा इंडस्ट्रियल पार्क हो रतलाम में, चाहे 6 नए इंडस्ट्रियल पार्क जो अलग अलग प्रदेश में बनने जा रहे हैं, ये सब मध्य प्रदेश के भविष्य को बदलने वाली योजनाएं हैं।
हाल में ही आपने G20 का शिखर सम्मेलन आपने सभी ने देखा होगा किस प्रकार से आज भारत का परचम पूरे विश्व में फैला है, कैसे भारत के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है, भारत को पूरा विश्व आज एक मित्र के रूप में देखता है। जो लोकप्रियता माननीय प्रधानमंत्री जी की आज पूरे देश में लगातार 9 वर्षों से नई ऊंचाइयों पर है, वैसे ही आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्व की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आगे कर रहा है, उनको उनके प्रति बहुत उत्साह के साथ देख रहा है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने केंद्र की अन्य अन्य योजनाओं में अपने आप को जोड़कर मध्य प्रदेश में हर गरीब को, हर बहन को एक अच्छा भविष्य देने का जो संकल्प लिया है, उसमें चाहे वो हमारे किसान भाई बहन हो जिनको केंद्र से तो किसान सम्मान निधि में हर वर्ष 6,000 रुपये मिलते ही हैं, पर राज्य सरकार भी उसमें 6,000 रुपये जोड़ के उनके जीवन को और सहूलियत देता है, उनके काम को और बल देता है। इसी प्रकार से हमारी लाडली बहनों के लिए जो योजनाएं माननीय शिवराज सिंह जी ने लागू की है, उसमें आप बढ़कर 3,000 रुपये, अभी 1,250 रुपये 10 अक्टूबर से हमारी लाडली बहनों को मिलेंगे। 1,250 रुपये हमने जो योजना बनाई है उसके तहत हमारे जो उज्ज्वला के लाभार्थी हैं और या जो लाडली बहनों के नाम पे गैस सिलेंडर कनेक्शन है उनको भी 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिले, उसको भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सुनिश्चित किया है। जिस प्रकार से 44 लाख लगभग गरीब परिवारों को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का आशियाना मिला, वैसे ही आगे चल के जो अन्य अन्य योजनाओं का लाभ लगातार हमारे गरीबों को मिल रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य की सेवाओं हो आयुष्मान भारत के तहत, चाहे वो अलग अलग प्रकार की विकास की योजनाओं हो, इससे एक प्रकार से हमारे भाई बहन, हमारे युवा युवती आत्मनिर्भर अपने आप को महसूस करते हैं और नए आत्मविश्वास के साथ आगे देश के आर्थिक विकास में जुड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली एक अच्छी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में फिर एक बार चुन के आएगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का विकास लगातार गत 2 दशकों से अनुभव किया है, उसको आगे और तेज गति देने के लिए मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हमारी बहनों का, हमारे युवा युवतियों का, हमारे प्रदेश के सभी नागरिकों का विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, शिवराज सिंह चौहान जी के, मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार जो गत 2 दशकों से रहा है उसको आगे भी हम इस आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे और नई ऊंचाइयों पे मध्य प्रदेश को लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।